What happened, Jignesh? Why are you so much tensed? I am unable to solve a question. Tell me, what is your question? What type of lens air bubble behave like in water? It's a good question. Let's solve on the board. तो ये है हमारा वाटर, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है n. ये है हमारा एयर बबल, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1. जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं सरफेस पर, तो वो हमारा नॉर्मल होता है. अब कोई एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो इंटरफेस पर आकर टकराती है. जब ये लाइट एक्चुअल में जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाती है, कुछ इस तरह से. जब ये लाइट दूसरे इंटरफेस पर टकराती है तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक और बार नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. अब ये लाइट भी जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन जब हमारी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती है. तो आप ये सब जानते हैं कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब वो लाइट को फोकस की तरफ एक्चुअल में रिफ्रैक्ट करता है. पर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता. जब हम मोस्टली हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं या जो आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस में, उसमें जो एक्सटर्नल मीडियम होता है हमारा वो एयर होती है, और हमारा जो हमारा लेंस है वो एक ग्लास का बना होता है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, जो कि हवा से ज्यादा होता है. लेकिन जो हमारा बबल वाला केस था, वो दिखने में भले ही कन्वेक्स लेंस लगता है पर वो एक्चुअल में कन्वेक्स लेंस है नहीं. क्यों? क्योंकि जो हमारे लेंसेज होते हैं या कोई भी चीज कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस है, सिर्फ उसके रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, यानी कि उस मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है हमारे एक्सटर्नल मीडियम के रिस्पेक्ट में. जैसे कि हमारा यहां पर एक्सटर्नल मीडियम है वाटर, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है n, और हमारे लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1, जो कि एक्सटर्नल मीडियम से कम है. तो हम यहां पर क्या देखते हैं, आइए देखते हैं. वही सेम पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है और वो लेंस के एक इंटरफेस पर टकराती है. ये जो हमारे डॉटेड लाइन बना रखी है, ये हाइपोथेटिकल सर्कल है जिसका लेंस पार्ट होता है. तो ये है C1 जिसे आप 2F कहते हैं, और ये है C2 जिसे आप सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं या 2F भी कहते हैं. पहले सरफेस के लिए, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है ये पार्ट है इस हाइपोथेटिकल सर्कल का, तो इस पर नॉर्मल डाला जाएगा इस सेंटर से. तो यहां से हम डाल देते हैं इस सरफेस पर नॉर्मल. अब लाइट हमारी जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाती है. तो लाइट रे एक्चुअल में सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी और वो सेकंड इंटरफेस पर टकराएगी. अब सेकंड इंटरफेस जो है वो हमारा फर्स्ट सर्कल का हाइपोथेटिकल सर्कल का पार्ट है, तो हम फर्स्ट वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. अब यहां पर लाइट ट्रेवल कर रही है एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में, तो वो किस तरह मुड़नी चाहिए, रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल? वो मुड़ेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट हमारी इस तरफ मुड़ जाएगी. तो आपने ये देखा कि सिर्फ कन्वेक्स लेंस होने से ये
या कन्वेक्स लेंस जैसा दिखने से जरूरी नहीं है कि लाइट हमेशा फोकस की तरफ या कन्वर्ज ही करेगी। लाइट डाइवर्ज भी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मीडियम। सो हे गाइस, हमारी नई वीडियो आ चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। आपको नई वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और अगर आप में ये जुनून है और ये जज्बा है और आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों या कुछ सालों में आप कुछ बड़ा उखाड़ने वाले हैं तो प्लीज हमारी इस फैमिली का हिस्सा जरूर बने। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए क्योंकि वी आर द मिलेनियल्स हु विल टर्न इनटू मिलेनियल्स।